जय श्री कृष्णा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। डॉक्टर पराग देवाणी का वंदन। भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज एंड सोशल वर्क के समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित महान समाजशास्त्री स्वर्गीय एस सी दुबे साहब का जन्म शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज 100 इयर्स दुबे साहब को कंप्लीट हो रहे हैं और हमारी जो ये सीरीज थी उसका आज ये 12वां और लास्ट लेक्चर ये वेबिनार के रूप में हम लोगों ने आयोजित किया है। तो उसी सिलसिले में आयोजित आज के नेशनल वेबिनार के अध्यक्ष एवं भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के यंग डायनेमिक और विजनरी वाइस चांसलर की हाल ही में जिन्होंने कॉन्स्टेंट तीसरी बार वाइस चांसलर का चार्ज संभाला है दो दिन पहले, ऐसे हमारे आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर चेतन त्रिवेदी सर जो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज के इस नेशनल वेबिनार के चेयरपर्सन और फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया सुवा फिजी के प्रोफेसर डॉक्टर आईएस चौहान सर, आज के हमारे स्पीकर और गोवा के सुप्रसिद्ध साइंस राइटर डॉक्टर सुभ्रिता मिश्रा मैडम, आज के हमारे अन्य स्पीकर और हर हमेश हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के साथ फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड रहे हैं, ऐसे हमारे दिवाकर सिंह राजपूत सर जो डॉक्टर हरीसी गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश में प्रोफेसर और डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। आज के हमारे ये वेबिनार के कन्वीनर और भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज एंड सोशल वर्क के कार्यदक्ष अध्यक्ष हमारे सबके प्यारे ऐसे जयसी झाला सर, मेरे कलीग डॉक्टर ऋषिराज उपाध्याय और हमारे साथ यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज और यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश में से ऑनलाइन जुड़े हुए रिस्पेक्टेड सोशियोलॉजिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सबकी वर्चुअल प्रेजेंस हमारे लिए गर्व की बात है। और सोशियोलॉजी से जुड़े हुए कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने एस सी दुबे साहब का नाम न सुना हो, और भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ने एस सी दुबे साहब का जन्म शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट अभी किया, सेलिब्रेट जो जन्म शताब्दी थी उसको पूरा आज पूरा कर रहे हैं वो सेलिब्रेशन, और आज के ये अंतिम वेबिनार में सब लोग हमारे साथ पूरे देश में से हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं। तो हम सबका ये स्वागत प्रवचन के लिए मैं भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के अध्यक्ष एवं हमारे वडील डॉक्टर जयसी झाला सर को आमंत्रित करूंगा कि सबका स्वागत प्रवचन करें। प्लीज सर, डॉक्टर जयसी झाला सर। नमस्कार, भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय जूनागढ़ गुजरात के समाजशास्त्र विभाग द्वारा भारतीय समाजशास्त्री मानव शास्त्री एवं एक कुशल प्रशासक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार श्यामाचरण दुबे जी की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में आयोजित इस एक दिवसीय संगोष्ठी में उपस्थित भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं इस संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर चेतन त्रिवेदी साहब जो कि कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बीज रूप वक्तव्य के लिए उपस्थित हरीशी गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के समाजशास्त्र के प्रोफेसर एवं रीजनल डायरेक्टर दिवाकर सिंह राजपूत साहब एवं विज्ञान लेखिका सुभ्रता मिश्र जी जो एवं इस संगोष्ठी के चेयरपर्सन के रूप में उपस्थित आईएफ चौहान साहब एवं डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर जयसिंह बी झाला अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय जूनागढ़ गुजरात से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज हम प्रोफेसर एस सी दुबे साहब के 100वां जन्मदिन मना रहे हैं और
इसी विशेष दिन के उपलक्ष्य में आयोजित आज की इस संगोष्ठी के मेहमानों का परिचय करवाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। सभी मेहमान अपने आप में एक विरल व्यक्तित्व है, इसलिए उस सभी का संपूर्ण परिचय देना मेरे लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और संक्षिप्त परिचय देता हूँ। इस संगोष्ठी के अध्यक्ष जो कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारे विश्वविद्यालय के युवा कुलपति प्रोफेसर चेतन त्रिवेदी साहब, जिनके नेतृत्व में हमारे विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर अपनी पहचान कायम की है। चेतन त्रिवेदी साहब के बारे में सिर्फ मैं यही बता सकता हूँ कि वो एक दुबे साहब की तरह अच्छे शिक्षक, उत्कृष्ट शोधकर्ता और कुशल प्रशासक है। इसका प्रमाण यही है कि उसकी इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तीसरी बार हमारी विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए उन्हें नियुक्त किया है। मेरी दृष्टि में इससे अधिक परिचय की आवश्यकता नहीं है। सर, आप इस संगोष्ठी में उपस्थित रहना और इस संगोष्ठी का अध्यक्षता करना हमारे लिए बेहद गौरव की बात है। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। आज के हमारे चेयरपर्सन के रूप में उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर IS चौहान साहब, जो कि चौहान साहब जिसके नाम से सब जानते हैं। सर, समय अवधि की को ध्यान में रखते हुए मैं केवल आपका संक्षिप्त परिचय ही दे पाऊंगा, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। सर, आपने UG एवं PG की पदवी डॉक्टर हरीश गौर विश्वविद्यालय सागर से प्राप्त की है, जहाँ प्रोफेसर SC दुबे साहब इस विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और शायद उसी समय में वहाँ के विद्यार्थी भी रहे थे। आपने अपनी PhD की पदवी ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा से प्राप्त की है। आपकी 6 किताबें हिंदी में एवं 6 किताबें इंग्लिश में प्रकाशित हो चुकी है। आपके कई शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी प्रकाशित हो चुके हैं। शोध के क्षेत्र में आपके पसंदीदा विषयों में ट्राइबल कल्चर, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इंडोजीनियस कम्युनिटी, इंडियन डायस्पोरा, एनवायरमेंट और सोशल स्ट्रक्चर आदि रहे हैं। सर, आप हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में फिजी में आपने काम किया है, साथ ही साथ भोपाल की बरकत उल्ला यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के रूप में कार्य किया था एवं MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल के वाइस चांसलर के रूप में भी आपने कार्य किया है। आप भोपाल की बरकत उल्ला यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के में प्रोफेसर एवं हेड के रूप में भी आपने कार्य किया है। आपने डेप्यूटी डायरेक्टर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पद पर भी कार्य किया। इस प्रकार कई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर महत्वपूर्ण पदों पर आपने कार्य किया। आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी के साथ साथ शोध एवं संशोधन के प्रति भी अपनी रुचि कायम रखी है। आपने 11 से अधिक रिसर्च प्रोजेक्ट संपन्न किए हैं। आपके सफल मार्गदर्शन में 48 विद्यार्थियों ने PhD एवं DLED की उपाधि प्राप्त की है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रोफेसर चौहान साहब के अकादमिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। सर, आप संगोष्ठी के चेयरपर्सन के रूप में उपस्थित रहना हमारे लिए बेहद गौरव की बात है। हम तहदिल से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। यह भी एक बड़ा संयोग है कि आज हमारे बीजरूप वक्तव्य के लिए सागर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत साहब जुड़े हैं, जो कि प्रोफेसर SC दुबे साहब की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि मध्य प्रदेश सागर से हैं। सर, आप सागर विश्वविद्यालय यानी हरीश गौर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग एवं समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर एवं रीजनल डायरेक्टर हैं। आप विश्वविद्यालय की कई समितियों के सदस्य एवं अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ युवा समाजशास्त्रियों के मार्गदर्शक एवं पथदर्शक हैं। सर, आप दुबे जी की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आपका इस संगोष्ठी में बीजरूप वक्तव्य देना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। साथ ही साथ हमें यह भी स्वीकारता हूँ कि शायद ये जब शताब्दी वर्ष मनाने का हमारे मन में जब विचार आया, तब से लेकर आज तक, यानी कि पहले से लेकर आज तक सदैव आप हमारे साथ रहे। डिपार्टमेंट के मेंटर के रूप में भी आपने काम कार्य किया है
एक मित्र के रूप में सदैव हमें आप मार्गदर्शित कर रहे हैं। और आज अगर आईएएस चौहान साहब जैसे बड़ी व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित रह पाए हैं तो उसके लिए भी आप उसका सहभागिता अनिवार्य थी। सर आपका मैं इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। साथ ही साथ आज दूसरे बीजरूप वक्तव्य के लिए हमारी साथ सुब्रता मिश्र जी उपस्थित हैं, जो मूलतः विज्ञान की लेखिका है। पिछले 25 वर्षों से विज्ञान में लेखन कर रही है। वर्तमान में वे गोवा में रह रहे हैं। डॉक्टर सुब्रता मिश्र तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय महामहिम प्रणव मुखर्जी के कर कमलों से भारत सरकार के राजभाषा विभाग का राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, आचार्य चाणक्य पुरस्कार, विज्ञान साहित्य रत्न से सम्मानित है। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में आपने वनस्पति शास्त्र में एमएससी की पदवी प्राप्त की थी और आईसीएएसआर फेलोशिप के साथ पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल के शोध कार्य भी किया है। पर्यावरण विज्ञान वनस्पति शास्त्र जैसे विषयों पर 21 से अधिक आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आप दिन ब दिन लेख लिखते हैं। देश के विभिन्न संस्थानों में अब तक लगभग 100 से अधिक आमंत्रित व्याख्यान आपके हो चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रकाशित होने वाले कार्यक्रमों में भी आपने कई बार व्याख्यान दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि शुभ्रता मिश्र जी दुबे जी के साथ पारिवारिक संबंधों से जुड़ी हुई है और हमारे विशेष आग्रह को ध्यान में रखते हुए ही आज वो हमारे साथ उपस्थित रही है। मैडम, आपका एक पारिवारिक दुबे साहब के साथ एक पारिवारिक नाता रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ आपका उपस्थित रहना हमारे लिए बेहद गौरव की बात है। आपका भी मैं तहे दिल से इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। साथ ही साथ प्रारंभ से लेकर आज तक हर हमेश हमारे साथ डिजिटल माध्यम से भारत के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए समाजशास्त्र मानवशास्त्र के प्रोफेसर अध्यापक एवं विद्यार्थियों का मैं इस संगोष्ठी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये मेहमानों के संक्षिप्त परिचय के बाद आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि भारतीय सभ्यता में एवं संस्कृति में तिथियों का अपना एक विशेष महत्व है। जब ये तिथियां अपने नियत समय पर नए साल में आती हैं, तब इन तिथियों से संबंधित व्यक्तियों को पुनः स्मरण करने का, पुनरावलोकन करने का और पुनः विश्लेषण करने का हमें अवसर प्रदान करती है। इन तिथियों के साथ उनसे जुड़े व्यक्तियों की स्मृति पुनः जागृत होती है। आज ऐसे ही एक अवसर के रूप में हम उपस्थित हैं। आज का दिन भारतीय समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज से 100 साल पूर्व 25 जुलाई 1922 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सिवनी में भारतीय समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्री श्यामाचरण दुबे जी का जन्म हुआ था और आज हम उनकी जन्म जयंती एवं शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। श्यामाचरण दुबे भारत के महान समाजशास्त्रियों में से एक है। अपने जीवन काल के दौरान दुबे जी के समाजशास्त्र के विभिन्न विषयों पर कार्य किया है, जैसे कि ग्रामीण समाजशास्त्र, सामुदायिक विकास, भारत में आधुनिकरण, भारतीय जनजाति विरासत, आधुनिकरण एवं विकास, परंपरा एवं विकास, सामाजिक परिवर्तन, भारतीय समाज आदि विषयों पर आपने काम किया है। और इस रूप से देखें तो उन्होंने समाज जीवन के हर एक पहलू को समझने का प्रयास किया था। एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी के लिए साहित्यकार कांति कुमार अपनी पुस्तक जो कहूंगा सच कहूंगा में श्यामाचरण दुबे जी के लिए डिलक्स प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित करते हैं। और हम समाज विज्ञान में दुबे जी को एससी दुबे के नाम से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में जानते हैं। इस तरह वो एक अच्छे शिक्षक, उत्कृष्ट शोधकर्ता और कुशल प्रशासक थे। इस प्रकार बहुत कम लोगों में इन तीन
तीनों का सुबक समन्वय हमें देखने को मिलता है, जो हमें एसपी दुबे साहब के जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी के शताब्दी वर्ष को हम कैसे मनाएं? जब यह विचार मन में आया तब यह विचार आया कि ऐसे व्यक्ति की शताब्दी केवल उनके कार्यों को सही मायने में उजागर करके ही हम मना सकते हैं, और इसी विचार को मूर्तिमंत करने के लिए साल भर में दुबे साहब की द्वारा किए गए शोध एवं संशोधन को लेकर 12 से अधिक व्याख्यानों का ऑनलाइन माध्यम से हमने आयोजन किया है, जिनमें हमारे साथ भारत के विभिन्न प्रांतों से समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ शामिल हुए थे। उन्होंने दुबे साहब द्वारा किए गए कार्यों पर अपने विचार रखे। इस व्याख्यानों के बारे में मैं आपको संक्षिप्त बताना अनिवार्य समझता हूं। तो सबसे पहले 25 जुलाई 2021 को पहला व्याख्यान, जब दुबे जी ने 99 ईयर्स पूर्ण किए और शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे थे, तब पहला व्याख्यान शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हुआ था। उसमें भी चेयरपर्सन के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर चेतन त्रिवेदी साहब उपस्थित थे, और उस दिन बीजरूप व्याख्यान के लिए प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत साहब एवं सरदार पटेल विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आर एस मकवाना साहब उपस्थित थे। उसके बाद दूसरा व्याख्यान हुआ जिसमें भारत के अग्रगण्य समाजशास्त्र प्रोफेसर बी के नागला साहब उपस्थित थे, जिन्होंने एस सी दुबे साहब का इंडियन चेंजिंग विलेज पर जो सबसे बड़ी पुस्तक थी उस पर अपने विचार प्रकट किए थे, और उसमें चेयरपर्सन के रूप में हमारे साथ उपस्थित थे भारत के जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर विद्युत जोशी सर। उसके बाद एक लेक्चर और हुआ जिनमें प्रोफेसर दुबे साहब के अकादमिक कार्यों के साथ साथ उसके सामाजिक जीवन के पहलुओं को समझने के लिए वो एक अध्यापक, शिक्षक, शोधकर्ता और वहीवटकर्ता के साथ साथ अपने फैमिली में, अपने कुटुंब में किस प्रकार के रहते थे उसको जानने के लिए सुब्रता मिश्र जी का व्याख्यान का आयोजन किया था, जिसमें उसने डॉक्टर दुबे साहब के फैमिली मेमोरीज ऑफ प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे टाइटल के अंतर्गत व्याख्यान दिए थे, और उसके चेयरपर्सन के रूप में SNGU की कुलपति प्रोफेसर हेमिक्षा राव मैडम उपस्थित थे। दोस्तों, दुबे साहब ने ज्यादातर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन को ध्यान में रखते हुए भी काम किया था, और विषय को लेकर एक व्याख्यान का आयोजन हुआ था जिसमें प्रोफेसर मनीष के वर्मा साहब, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यापक हैं, उन्होंने व्याख्यान दिया था, और उसमें चेयरपर्सन के रूप में सेंटर फॉर सोशल स्टडी सूरत के किरण प्रोफेसर किरण देसाई साहब उपस्थित रहे। उसके बाद दुबे साहब ने जनजातियों के संदर्भ में सबसे बड़ा काम किया है, और उसने खास विशेष रूप से जो कि उनका PhD का विषय था द कमार, आज भी जब भी आदिजातियों का अभ्यास की बात होती है तब धमार द कमार को आइडियल पुस्तक के रूप में माना जाता है, इसी विषय को लेकर व्याख्यान का आयोजन किया गया था, और उसमें बीजरूप वक्तव्य के लिए जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आभा चौहान मैडम उपस्थित थे, और उस सेशन में चेयरपर्सन के रूप में प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी राजपूत रहे थे। इसी प्रकार ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट, वो परंपरा और आधुनिकता, समाज जीवन में वर्षों से इस विषय पर विचार विमर्श हो रहे थे। डॉक्टर दुबे सर ने भी ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट विषय पर एक पुस्तक लिखी है, और इसी विषय को लेकर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था जिसमें बीजरूप वक्तव्य के लिए प्रोफेसर रश्मि जैन मैडम उपस्थित थी, जो जयपुर यूनिवर्सिटी से संलग्न है, और इसमें चेयरपर्सन के रूप में उपस्थित थे प्रोफेसर JP पचौरी सर, जो कि हिमालया यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने इस सेशन में ट्रेडिशन एवं डेवलपमेंट के संदर्भ में दुबे साहब ने किन किन विषयों पर भार दिया उस पर बात की थी। उसके बाद आज विज्ञानों में से विशेष करके सामाजिक विज्ञानों पर उसके अस्तित्व सातत्य पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, और इसी विषय में दुबे साहब ने ऑन क्राइसिस एंड कमिटमेंट इन सोशल साइंस विषय पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सामाजिक विज्ञानों के सामने आने वाले
प्रश्नों एवं उसका किस प्रकार से हम सामना कर सकते हैं उस पर एक पुस्तक लिखी है। इस विषय को लेकर गोपी निमार्ते जो कि SSVNT नागपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस विषय पर अपना व्याख्यान दिया था और इस सेशन में चेयरपर्सन के रूप में रविंद्र कुमार मोहंती जो कि मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने चेयरपर्सन के रूप में अपना कार्य किया था। उसके बाद डेवलपमेंट की आज जब हम बात कर रहे हैं, पूरे भारत में डेवलप 21वीं सदी में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में 1980s में डेवलपमेंट प्रस्पेक्टिव फॉर इंडिया इनके विषय पर दुबे जी ने एक पुस्तक लिखी थी और इस विषय पर DDU गोरखपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष पांडे सर ने व्याख्यान दिया था। इस सेशन में चेयरपर्सन के रूप में हमारे साथ दीपक वर्मा महू विश्वविद्यालय MP से जो कि उपस्थित थे, उन्होंने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए थे। उसके बाद आधुनिक भारत विषय को लेकर सर एक आयोजन सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारे साथ हमारे आदरणीय वाइस चांसलर जुड़ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर चेतन त्रिवेदी सर, और उसका हम लोग तहे दिल से समाजशास्त्र भवन की ओर से स्वागत करते हैं, और रिस्पेक्टेड ऑल सोशियोलॉजिस्ट रिसर्चर्स एजुकेशनलिस्ट और हमारे आज के चेयरपर्सन और स्पीकर्स। हमने अभी ही बताया कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर चेतन त्रिवेदी सर ने हाल ही में कॉन्स्टेंट तीसरी बार वाइस चांसलर का चार्ज संभाला हुआ है, तो हम तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं। सर वेलकम टू अवर ST दुबेज 100 ईयर्स सेलिब्रेशन, और सॉरी जाला सर फॉर इंटरप्शन। सर प्रोफेसर डॉक्टर चेतन त्रिवेदी सर आपका स्वागत है, प्लीज सर जाला सर कंटिन्यू। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है इस श्रेणी में। इस प्रकार सरस्वती राजू अय्यर मैडम ने कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन विषय को लेकर अपना व्याख्यान दिया था, जिसमें प्रोफेसर PC जोशी सर जो कि दुबे साहब से विद्यार्थी के रूप में उसके साथ जुड़े हुए थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, वो भी उसमें उसके साथ जुड़े थे। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले रिलेवेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी थ्रू द पाथवे ऑफ SC दुबे इंडियन सोसाइटी अ क्रिटिक विषय को लेकर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें बिजरू वक्तव्य के लिए सौरभ आनंद सर लॉ सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधीनगर से उपस्थित थे और चेयरपर्सन के रूप में प्रोफेसर RS मकवाना सर उपस्थित थे। और अभी लास्ट में 11वां लेक्चर प्रोफेसर SC दुबे ऑन सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन को लेकर दुबे सब का क्या विचार थे उस विषय में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था, जिसमें बिजरू वक्तव्य के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुकांत चौधरी साहब उपस्थित थे और चेयरपर्सन के रूप में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट एवं जम्मू विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आभा चौहान मैडम उपस्थित थे। तो इस प्रकार साल भर प्रतिमा एक लेकर कुल 12 जितने लेक्चर हुए, और इन सभी लेक्चरों में दुबे सर द्वारा जिन जिन विषयों पर कार्य किया गया था उन सभी विषयों को समाविष्ट करने का प्रयास किया था। मेरी दृष्टि से दुबे साहब ने अपने लाइफ में इतना बड़ा कार्य किया है सामाजिक विज्ञान में कि उसको हम एक साल में या 12 व्याख्यानों में समाविष्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी कई ऐसे लोग जो कि दुबे साहब के साथ जुड़े हुए हैं और इस संगोष्ठी में प्रत्यक्ष रूप से शायद समाविष्ट नहीं हो चुके हैं, उन लोगों का भी हमारे साथ अभी संपर्क में है। शायद ये शताब्दी वर्ष के बाद में भी हम इन सभी व्याख्यानों का एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहते हैं, ताकि दुबे साहब ने जो साल भर कार्य किया है वो विद्यार्थियों दुबे साहब के साथ जो जो लोग समाविष्ट है उन सभी लोगों तक हम ये पहुंचा सके। मुझे बेहद खुशी है कि आज शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे साथ दुबे साहब के पारिवारिक रिश्ते से जुड़ी हुई सुब्रता जी,
दुबे साहब के विश्वविद्यालय कर्म जन्मभूमि और कर्मभूमि से जुड़े हुए दिवाकर साहब एवं जिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर दुबे साहब ने काम किया है, इसी विश्वविद्यालय में जिन्होंने यूजी एवं पीजी की पदवी प्राप्त की है और दुबे साहब के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में जिन्होंने कार्य किया है, ऐसे आईएएस चौहान साहब आज इस सेशन में चेयरपर्सन के रूप में उपस्थित है। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चेतन त्रिवेदी साहब पर साहब भी इस सेशन में उपस्थित है। इन सभी लोगों का मैं पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर झाला सर फॉर योर वार्म वेलकम एंड इंट्रोडक्टरी स्पीच। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के स्पीकर और गोवा के सुप्रसिद्ध साइंस राइटर जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जिनको अवार्ड दिया है और बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया है, ऐसे हमारे डॉक्टर सुब्रता मिश्रा मैडम को मैं आमंत्रित करूंगा आज के स्पीकर के रूप में। प्लीज सर सुब्रता मैडम। धन्यवाद सर। परम आदरणीय प्रोफेसर आईएएस चौहान सर, प्रोफेसर दिवाकर सिंह सर और प्रोफेसर चेतन त्रिवेदी सर, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। इस व्याख्यान माला के सूत्रधार डॉक्टर जयसिंह जालम, डॉक्टर पराग देवानी जी और इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े देश के सभी व्याख्यातागण, समाजशास्त्री, शोधार्थी, विद्यार्थी सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज प्रोफेसर श्यामाचरण जी दुबे का 100वां जन्मदिवस है और देश के महान समाजशास्त्री को इतने अद्भुत ढंग से स्मरण करते हुए उन्हें आदरांजलि समर्पित करने का ये जो कार्यक्रम भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी ने पूरे साल भर बड़े अनुशासन के साथ पूरा किया है, यह निसंदेह बेहद प्रशंसनीय और प्रेरणादायक है। जैसा कि जाला सर ने साल भर जो जो भी प्रोफेसर दुबे के कामों का विवरण व्याख्यानों के माध्यम से हुआ है, उन सबको हमने बहुत ध्यान से सुना और मैंने भी हर कार्यक्रम में पधारे सभी विद्वजनों को सुना और कितने ही पहलू, और वे पहलू खासतौर से मैं कहना चाहूंगी कि प्रोफेसर दुबे के व्यक्तित्व और कृतित्व के वो पहलू जो एक घर का सदस्य होने के नाते मुझे भी नहीं मालूम थे। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्यों नहीं मालूम था, क्योंकि वो तो मेरे मामा जी थे, तो भी वो चीजें जो व्याख्यानों में कही गई उनको मैं नहीं जानती थी, तो जब मैंने इस अनभिज्ञता का विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि मुझे इतनी बातें, इतने सारे तथ्य प्रोफेसर दुबे के बारे में क्यों नहीं मालूम थे। एक बात समझ में आई कि प्रोफेसर दुबे घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ, और यदि मैं अपने बारे में कहूं तो सिर्फ मेरे साथ मेरे मामा जी होते थे, इसलिए कभी उन्होंने अपने महान समाजशास्त्री होने का अहंकार या फिर कहें तो कोई दिखावा ऐसा कुछ कभी किया नहीं। इसलिए जो उनके समाजशास्त्री होने से संबंधित जो गुण थे या जो तथ्य थे वो मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को पता ही नहीं चला। और मैं समझती हूँ कि यही वो गुण प्रोफेसर दुबे का था जो प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे को एक महान समाजशास्त्री ही नहीं वरन देश की एक महान विभूति बनाता है, देश का लोकप्रिय बुद्धिजीवी बनाता है। आप जानते हैं कि बुद्धिजीवी प्राय लोकप्रिय नहीं होते हैं, लेकिन प्रोफेसर दुबे की ये बात थी कि वो एक लोकप्रिय बुद्धिजीवी के रूप में भी आम भारतीयों के बीच में जाने जाते हैं। और पूरे साल चली ये जो व्याख्यान माला है प्रोफेसर दुबे के दिए सामाजिक और मानव शास्त्रीय सिद्धांतों से लेकर उनकी किताबों में उल्लिखित भारतीय समाज की गूढ़ समाज शास्त्रीय परिभाषाओं और व्याख्याओं को हमने बहुत गहराई से जाना, उनको समझा। और आपको याद होगा कि मुझे भी जब इस श्रृंखला में अपने विचार रखने का अवसर मिला था
तब मैंने प्रोफेसर दुबे के बचपन से लेकर अंत तक के जीवन के पारिवारिक पहलुओं का जिक्र किया था। हमने देखा था कि किस तरह से प्रोफेसर दुबे के समाज शास्त्र की जड़ों में उनका परिवार समाया हुआ था। और मैं अभी जब जाला सर ने पूरी एक लिस्ट, पूरी एक सूची जब बोली प्रोफेसर दुबे के अलग अलग विषयों को, तो मैंने एक बात अवलोकन किया या मैंने समझा कि एक विषय था जो इस पूरी श्रृंखला में शायद उसका उल्लेख उतने अधिक उसमें नहीं हुआ, हालांकि आधुनिकतावाद पर बहुत बात हुई। एक विषय जो बाद बाद में प्रोफेसर दुबे ने, क्योंकि वो हम लोग घर पे भी जब बात करते थे तो ये जो विज्ञापन आते हैं वस्तुओं के, उनमें वो अक्सर कहते थे जहां देखो जब देखो तब इस तरह के विज्ञापन आते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने एक विषय जिसको बाद बाद में उन्होंने उकेरा समाज को दृष्टिगत रखते हुए, और वो था उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इस तरह से आप दूसरी ओर देखेंगे कि प्रोफेसर दुबे अपने आसपास के आधुनिक हो रहे भारतीय परिवारों में उपभोक्तावाद की संस्कृति का भी बेहद सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। उनका एक लेख है जो आजकल हमारे CBSE के 9th क्लास में चलता है, भारत की उपभोक्तावाद की संस्कृति। उसमें वो किस तरह से बताते हैं कि समाज में जो सुख का अभिप्राय है, जो प्रतिष्ठा की परिभाषा है, वो अब बदल गई है। उपभोक्तावाद के इस युग में भोग उपभोग ही वो कहते हैं कि सुख है। सुख की वो परिभाषाएं जो भारतीय समाज में या भारतीय संस्कृति में एक आदर्श रूप में लिखी गई थी, वो अब बदल गई है क्योंकि उपभोक्तावाद का युग आ गया है। इसलिए भोग उपभोग ही जो है अब सुख है। वो कहते हैं कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। ये एक चिंतन भी है और एक चिंता भी जो उन्होंने बदलते भारतीय समाज, भारतीय परिवारों में महसूस की, उसको उन्होंने बाद बाद में लिखा। वो कहते हैं कि हम अब किसी भी वस्तु का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि वह हमारी किसी जरूरत को पूरा करती है, बल्कि हम इसलिए करते हैं कि उससे हम कितना अधिक दिखावा कर सकते। तो ये जो भारतीय समाज में परिवर्तन आ रहा है, दिखावा की संस्कृति आ रही है, वो उपभोक्तावाद की संस्कृति से आ रही है। उन्होंने उन्होंने लोगों को कहना चाहा कि बहुत सी चीजें हम ऐसे खरीद लेते हैं जिनका कि कभी हमें इस्तेमाल ही नहीं करना। हम उसको सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम उसको विज्ञापन में देखते हैं। विज्ञापन में देखने के कारण हम मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हमको इसको लेना है। या कि ये भी एक उपभोक्तावादी संस्कृति को उन्होंने सामने लेकर आए कि कहीं ना कहीं इसके कारण जो समाज में प्रतिष्ठा की परिभाषा परिवर्तित हुई है, कि यदि हम वो सारी चीजें लेके आते हैं या हम वो सारी चीज उपभोग करते हैं उन वस्तुओं का, तो हमारी प्रतिष्ठा जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लेकिन एक तरफ वो और कहते हैं कि किस तरह से गांधी जी ने भी उपभोक्तावाद के हमारे समाज को ये कहा था कि उपभोक्तावाद जो है हमारी समाज की नींव को हिला रहा है। ये बात बहुत पहले गांधी जी ने कहती थी और उसी से इत्तफाक रखते हुए प्रोफेसर दुबे समाज की उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण जो बदलाव आ रहे हैं उसकी उसका इंगित करते हैं प्रतिष्ठा और सुख को देखते हुए। वो हर विद्यार्थी को, शोधार्थी को या देश के हर व्यक्ति को ये कहना चाहते हैं कि उनमें जो सच्ची प्रतिष्ठा है वो सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप अधिक परिश्रम करते हैं, और अधिक परिश्रम से या सही तरीके से यदि आपने काम किया है उसके एवज में यदि आपको कोई प्रतिष्ठा मिल रही है, वही समाज में आपको मिली सही प्रतिष्ठा है। बाकी सारी प्रतिष्ठाएं जो हैं वो सिर्फ दिखावा है, झूठी प्रतिष्ठा। तो ये एक पहलू था सर जो थोड़ा मुझे लगा कि इन व्याख्यान मालाओं में उपभोक्तावाद की संस्कृति का हमने नहीं लिया था। और इस तरह की और भी जो चीजें हैं जो आधुनिकतावाद और उपभोक्तावाद को लेके वो कहते हैं कि आधुनिक होने का जो दंभ भरा जा रहा है वो भारतीय समाज और संस्कृति की जड़ों को हिलाकर रख रहा है, और इस संदेश को, इस चुनौती को हमें देखना है, गहराई से समझना है, ताकि जो भविष्य में भारत बनने जा रहा है उस पर इसका प्रभाव कम पड़ सके। क्योंकि जब समझ में आया तभी शुरुआत जो है कर देनी चाहिए। और इस तरह से हम देखें कि ये
सारी व्याख्यान मालाओं में प्रोफेसर दुबे का जीवन, उनका व्यक्तित्व और उनका विस्तार से जो भी काम किया गया था, उन सभी से हमको बहुत प्रेरणा मिली है। और मैं आशा करती हूँ कि केवल समाज शास्त्र के ही से जुड़े ही व्याख्याता या शोधार्थी ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र के लोगों को प्रोफेसर दुबे के चिंतन, मनन और जीवन से मार्गदर्शन लेना चाहिए। हमें मार्गदर्शन लेना होगा और यही उनके प्रति देश की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी को साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बड़ी ही निष्ठा से प्रोफेसर दुबे के जन्म शताब्दी वर्ष के इस अनुष्ठान को पूर्ण किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुब्रता मैडम फॉर योर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल स्पीच। कई अनजानी बातें भी हम लोगों को सुनने को मिली दुबे साहब के बारे में। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अब मैं आज के हमारे प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए हमारे आदरणीय वाइस चांसलर श्री प्रोफेसर डॉक्टर चेतन त्रिवेदी सर को इनवाइट करूंगा कि वो अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए हम लोगों को मार्गदर्शित करे और प्रेसिडेंशियल स्पीच दे, क्योंकि सर को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, उसमें से वो अभी अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे यंग और डायनेमिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर चेतन त्रिवेदी सर को मैं आमंत्रित करूंगा। प्लीज सर फॉर योर प्रेसिडेंशियल स्पीच। नमस्ते। पूरे भारतवर्ष के समाजशास्त्र विषय के ही नहीं, बहुत बहुत सारे विषयों और विद्या शाखाओं के अंतर्गत जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसे कर्मठ लोगों की सभा में बीच आज श्यामाचरण दुबे जी को याद करते हुए आज उसकी जन्म शताब्दी को 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी ने 99 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक एक बहुत अच्छा सोच विचार करके व्याख्यान सीरीज का जो आयोजन किया था, इसमें जैसे प्रोफेसर झाला ने बताया, पूरे भारतवर्ष के समाजशास्त्र विषय के दुबे जी के विषय पे अध्ययन अध्यापन करने वाले, रिसर्च संशोधन और उसकी ज्ञान विभावनाओं को प्रचार प्रसार करने वाले लोगों की व्याख्यान की एक बहुत अच्छी श्रृंखला चली। और हम श्रद्धांजलि तो नहीं कह सकते, मैं इस पूरे प्रोग्राम को भावांजलि रूप का नाम देना चाहता हूं कि सही मायने में श्यामाचरण दुबे जी ने जो विलेजेस के लिए, जो समाजशास्त्र के चैलेंजेस, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, अल्टरनेट पैराडाइम्स, इंडियन सोसाइटी, इन सब विषयों पर जितना काम किया है, इस काम को लिए हम अपना साधुवाद, अपनी अपनी खुशी और उसके आगे जाके किस तरह से काम ले सकते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित चौहान साहब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा प्रशिक्षा एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दी है, आज भी इतनी उम्र में, उसकी उसकी उम्र सिर्फ तकाजे के साथ बोली जाती है, मगर उसके जो जज्बा है, उसकी जो काम करने की निष्ठा है, अभी भी जवामर्द है ऐसे चौहान साहब। और हमारे बहुत अच्छे मित्र दिवाकर सिंह जी, जिन्हें बार बार हमें मिलना होता है यूनिवर्सिटी में, बार बार वो आते रहते हैं, जिसका मार्गदर्शन समाजशास्त्र डिपार्टमेंट को मिलता है। और ऐसे हमारे बहुत अच्छे स्नेही मित्र जो रात को 12 बजे भी हमें फोन कर सकते हैं और हम भी उसे फोन कर सकते हैं, ऐसे दिवाकर जी। और अभी अभी हमने जिसको सुना, सुब्रता मिश्रा जी, जो पारिवारिक रूप से बड़े सौभाग्य है उसका कि उसको श्यामाचरण दुबे के अंतेवासी होने का, मैं शब्द यूज करता हूँ, अंतेवासी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उससे रूबरू सीखने का चांस मिला है। और ऐसे मिश्रा जी समाजशास्त्र विभाग के वेरे युवा और डायनेमिक, बहुत कम बोलते हैं, काम में ज्यादा विश्वास करते हैं, जो कर्मणे वाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, इस थ्योरी को अपने जीवन में आत्मसात किए रखे हैं, ऐसे प्रोफेसर झाला। और यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के हमारे दो पिलर डॉक्टर पराग देवानी और डॉक्टर ऋषिराज उपाध्याय, जो कॉन्स्टेंटली ये झाला साहब के साथ ये समाजशास्त्र विभाग और यूनिवर्सिटी के कई सारी बाबतों को देखने में लगे हुए है, ये सब और आज हम लोगों के साथ ये वर्चुअल मोड से जुड़े हुए, समाजशास्त्र विषय के ही नहीं, अन्य मल्टीडिसिप्लिनरी विषय, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सभी विषय के लैंग्वेजेस के जो लोग जुड़े हैं, इन सबको मैं सबसे पहले अभिवादन करता हूँ। और श्यामाचरण दुबे जी का आज
स्वामी सालगिरह पे सबको शुभकामनाओं देता हूं और इसी विषय में सही मायने में किस तरह से ए सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे इज नॉट लिमिट टू द कटिंग ऑफ द केक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स, इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट। जिस तरह से पूरा बात रखी ये 12-15 लेक्चर की सीरीज हुई, इसमें से कई बार 5-6 बार तो मैं भी रहा हूं, मुझे पता है, तो ये सभी व्याख्यानों में का जो अर्क निकला है उसको अच्छी तरह से हमें संपादन करना चाहिए, उसका पुस्तक स्वरूप से भी प्रकट करना चाहिए। इसी मायने में जो काम दुबे जी ने किया है उसको नतमस्तक हम सलाम करते हैं और आगे जाके इसी कॉन्सेप्ट में लुकिंग एट द प्रेजेंट डे रिलेवेंस, इफ यू लुक एट टू द डाउन रूट ऑफ द सोसाइटी, समाज के पिछड़े निचले वर्ग तक जाना है, तो दुबे साहब की फिलोसॉफी के किस तरह से हम ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट, जैसे टीएस एलियट ने बताया था, अपनी जो पुरानी सिस्टम है गांव की और अल्ट्रा मॉडर्न मॉडल ऑफ सिविलाइजेशन है, इस दोनों को मिला के किस तरह से हम ग्राम विकास कर सकते हैं, इस पैराडाइम्स को चेंज कर सकते हैं और भविष्य में अपनी इतिहास बोध और संस्कृति के साथ जो अपनी परंपरा है ये परंपरा को ना भूलते हुए नए विकास के मॉडल को अपना सके, ऐसे काम भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी कर रही है। इसमें बहुत सारे विद्वान जनों का हमें साथ सहकार मार्गदर्शन प्रेम हुप सब मिला है, उसका सविशेष आनंद है। और लास्ट में मुझे आज एक 2-3 मीटिंग्स है यूनिवर्सिटी के, इसलिए मैं पूरा समय आपके साथ नहीं रह सकूंगा, मगर चौहान साहब, दिवाकर जी, सुब्रता जी, आप लोग आए और इसके साथ साथ जिन जिन लोगों का नाम उल्लेख किया झाला साहब ने, इस सभी लोगों का हमें व्यक्तिगत रूप से यूनिवर्सिटी की ओर से, यूनिवर्सिटी के कुलपति की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने अपना समय का दान दिया है और वो भी समय का दान ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो समाज के छोटे छोटे गांव में रहते हैं और अभी उस गांव का स्ट्रक्चर पूरा इस तरह से है, वहां पे डेवलपमेंट की खूब जरूरत है। इस वर्चुअल मोड से हम लोग उस बच्चे तक पहुंच सके हैं, उसका बड़ा आनंद है हमें, और पूरा देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो बदलते विकास के साथ हमें भी इस मोड में चले। और ये सिर्फ एक साल का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, एक साल 12-15 व्याख्यान किया और खत्म कर दिया, ऐसे नहीं, इस पे और भी काम होने चाहिए, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए, इस विषय में हमें कुछ बुक संपादन करना चाहिए और इसी विषय को लेके अभी इस बार पूरे हम एमफिल पीएचडी, एमफिल तो अभी बंद कर दिया हमने, मगर पीएचडी के एडमिशन भी इस ईयर 2-3 लड़कों को और लड़कियों को यही विषय पे पीएचडी देना चाहिए, ताकि आगे जाके ये विषय पूरा मजबूत हो, इस विषय में आगे जाके जो एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज है वो सब पॉसिबिलिटीज को देखनी चाहिए। और इस कार्यक्रम के आयोजन में पूरा देश सहभागी हुआ है, मुझे आज गर्व है, सिर्फ सौराष्ट्र या गुजरात नहीं, पूरा देश सहभागी हुआ है, उसकी विशेष आनंद व्यक्त करते हुए, और मुझे खेद भी हो रहा है कि इतने बड़े चौहान साहब को, दिवाकर जी को सुनने का, मैं रात को ये ऑनलाइन माध्यम में बड़ा अच्छा रहता है, रात को फिर से सोने से पहले मैं आप लोगों को सुनूंगा और आपकी जो कुछ भी बात रहेगी उसे मैं बहुत ही गंभीरता से यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट के लिए करूंगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ 5 साल और 6 महीने हुए हैं, मगर ये छोटे से कार्यकाल में यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से, जैसे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ छोटा बच्चा चलता है, इसी भाव से पूरे क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। इसमें पूरी टीम वर्क, सभी लोगों का योगदान और सहकार महत्वपूर्ण रहा है। इसी खुशी के साथ मैं मेरी बात को विराम रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आदरणीय वीसी सर, आपकी स्पीच में से हम लोगों को हमेशा इंस्पिरेशन मिलता है और हम लोगों ने तो ये कांस्टेंट, ये 3.5 साल से हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि आपके इंस्पिरेशन से ये यूनिवर्सिटी ने पूरे विश्व में, भारत तो ठीक है लेकिन पूरे विश्व में एक अलग ओड़क प्राप्त की है। और हम ऐसे ही ऐसी आशा रखेंगे कि आपका जो सपोर्ट हमको मिल रहा है वो भविष्य में भी आपका सपोर्ट ऐसी तरह से मिलता रहे, और सभी को आपकी ये अच्छा जो मैनेजमेंट पावर है, एकेडमिशियन पावर है, उसका लाभ मिलता रहे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। सर एक में और वीसी सर आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने एक वीडियो अभी एक रेडी किया है, ये जो पूरी श्रृंखला हम लोगों ने पूर्ण की है दुबे सर की, तो वो अभी हम लोग ये वीडियो चला रहे हैं, तो आप वो वीडियो को हमारे साथ देखें, शेयर करें और फिर आपका जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसमें जुड़े, ऐसी हमारी विनती है प्लीज। तो हम लोग ये अभी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोग्राम हैंडल करेंगे।
थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स कि आप लोगों ने हमारा वीडियो शांति से देखा। माननीय जाला सर ने जो भी क्रोनोलॉजी में बताया था उसी का ये विजनरी वर्जन था। अब मैं आगे का प्रोग्राम आगे चलाते हुए आज के हमारे अन्य स्पीकर और मैंने शुरुआत में बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के हर हमेशा फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड रहे हैं और पूरे देश के यंग सोशियोलॉजिस्ट के लिए जो रोल मॉडल रहे हैं, ऐसे हमारे हमारे अपने ऐसे दिवाकर सिंह राजपूत सर को मैं आमंत्रित करूंगा स्पीकर के रूप में। प्लीज सर, दिवाकर सिंह राजपूत सर। सर आपका माइक म्यूट है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पराग तिवारी जी। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं सोमनाथ की पवित्र धरती पर स्थित जूनागढ़ में भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय को, वहां के कुलगुरु को, वहाँ के समाज शास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष को और उनके सभी सहयोगियों को, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर से साल भर चलने वाली श्रृंखला से विचार मंथन, विचारोत्तेजक और शोध परक दिशा देने के लिए बहुत ही बेहतरीन साधुवाद योग्य कार्य किया है। प्रोफेसर श्यामा शरण दुबे एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन पर बोलना बहुत कठिन कार्य होता है। आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष और मेरे एकेडमिक गुरु सम्माननीय प्रोफेसर IS चौहान साहब, जिनसे निरंतर मुझे सीखने की प्रेरणा मिलती है और न केवल इतना ही वरन उनकी ऊर्जा से, उनके व्यक्तित्व से, उनके शिक्षकीय और प्रशासकीय खूबियों से कुछ कर पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए मैं अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। उनके प्रति मैं सादा अभिवादन करता हूँ। आज के बीज वक्तव्य के रूप में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रोफेसर श्यामा शरण दुबे जी के परिवार से डॉक्टर सुप्रीता मिश्रा जी और ऑनलाइन मोड से पूरे देश और पूरे विश्व से विभिन्न भागों से जुड़े हुए बुद्धिजीवीगण, शोधार्थी, शिक्षक और प्रोफेसर SC दुबे साहब के विचारों से प्रभावित होने वाले व्यक्तित्व, आज का ये दिन
विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कई मायनों में। कई मायनों में इस तरह कि आज भारतवर्ष के ऐसे व्यक्तित्व जिसने न केवल सागर को वरन मध्य प्रदेश और पूरे देश को पूरे विश्व के अंदर में उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पूरी की पूरी टीम को कई वर्ष लग सकते थे, लेकिन प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जिस तरह के व्यक्तित्व से धनी माने जाते हैं, उन्होंने अपने कृतित्व से, अपनी रचनाओं से, अपने विचारों से, अपने शोध से, अपनी ऊर्जा से और अपने प्रशासकीय क्षमताओं से यह सब दिखाने की कोशिश की, यह सब करने की कोशिश की कि जब व्यक्ति एक व्यक्ति से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से शिक्षक से संस्था तक और संस्था से पुस्तकालय तक अपने स्वरूप की यात्रा करता है, तब उसके लिए पूरा आसमान बहुत छोटा हो जाता है। और ऐसा ही एक महान व्यक्तित्व उनका आज 100वां जन्म दिवस हमारे लिए केवल प्रतीक ही नहीं प्रेरणा का स्रोत भी है। और बहुत महत्वपूर्ण अवसर है भारत गणराज्य के पंद्रहवें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के जन्मदिन, और जब हम बाबा सोमनाथ की धरती की बात करते हैं तो श्रावण के इस महीने में जो ऊर्जाओं का स्रोत होता है, प्रकृति के संरक्षण की बात करता है, श्रावण सोमवार का अवसर है। तो ये बहुत से ऐसे अवसर हैं जब हम प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे के जन्म शताब्दी वर्ष को, ये जो साल भर चलने वाली श्रृंखला है, उस श्रृंखला के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर आ रहे हैं। इसके सूत्रधार प्रोफेसर जयसिंह झाला साहब और उनकी टीम, ऋषिराज उपाध्याय जी और पराग देवानी जी, आप सभी को मैं बहुत बधाइयां देता हूं। और अपनी उस बात से प्रारंभ करना चाहता हूं जो मैंने शुरुआती दौर में, यानी जब आप कार्यक्रम का आगाज कर रहे थे, उद्घाटन के रूप में 2021 के जुलाई 25 तारीख को जब पहला व्याख्यान यहाँ पर मैंने दिया हुआ था, और उस दौरान प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जी के जीवन के कुछ विशेष पहलुओं को जो पुस्तकों में सामान्य अवस्था में देखने को नहीं मिलते हैं, उनके साथ के लोगों के साथ जुड़े हुए संस्मरणों से वार्तालाप करके मैंने लिए हुए थे और आप सबके बीच रखे हुए थे, उन्हीं में से मैं एक बार फिर से चालू करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे मध्य प्रदेश के बहुत छोटे से ग्रामीण अंचल से निकलकर विश्व पटल पर पहुंच जाने वाले मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, साहित्य विज्ञानी और इन सबसे ऊपर एक कुशल प्रशासक और एक कुशल व्यक्तित्व। जब वह किसी चीज को देखते थे, अवलोकन करते थे, तो बचपन से ही उनके अंदर में लेखन की क्षमताएं हुआ करती थी, बचपन से ही उनके अंदर में कुछ सीखने की ललक हुआ करती थी, और बचपन से ही कुछ इस तरह की बातें देखने को मिलती थी, लगता था कि इनके अंदर बहुत कुछ है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं वहां से देना चाहता हूं। जब उनकी उम्र 6-7 वर्ष की भी नहीं थी, तब एक पत्रिका वह निकाला करते थे, उस पत्रिका का नाम था सेवक। और बड़ी विचित्र बात यह थी कि एक सामान्य से कागज के ऊपर हस्तलिखित लिपि में वह इस पत्रिका को निकालते थे, और वह पत्रिका केवल पत्रिका नहीं हुआ करती थी, वह विचार विमर्श का आधार भी हुआ करती थी, और वह जो पत्रिका निकलती थी उसके पाठक कौन होते थे, उसके पाठक उनके परिवार के ही लोग हुआ करते थे। यानी यहां पर देखने वाली बात और सोचने और समझने वाली बात यह आती है कि हम उस व्यक्तित्व के उस स्वरूप को देख रहे हैं जिसने अपने बचपन के पहले चरण में ही व्यक्तित्व के उस हिस्से को बताया, अपनी उन कलाओं से लोगों को वाकिफ कराया, और उस पत्रिका में जो वो कुछ लिखते थे, परिवार के सभी लोग उस पर विचार विमर्श किया करते थे, और वहां से उनके विचारों में पहनापन पैदा होता है। शोध और आलेख के बारे में जो उनके अंदर तीक्ष्णता है, जो प्रतिभा थी, कहीं ना कहीं उन जड़ों में वो चीजें देखने को मिलती थी। उस सेवक नाम की उस पत्रिका से लेकर के आज तक की स्थितियों में कितने पड़ाव आए, केवल इतना ही नहीं, इसके बाद जब और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत कुछ बोलना मंच से चालू कर दिया था,
और उस दौरान उनकी जो वाक्पटुता थी, उनके जो सोचने और विचारने की क्षमताएं थी, ग्रीष्म अवकाश के दौरान में जो पत्र पत्रिकाएं परिवार में पढ़ने पढ़ाने के लिए आया करती हैं, उनमें हिंदी और अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के साथ जो उनका लगाव था, वो साहित्य शोध के प्रति उनकी रुचि को दर्शाता है। और उनको पढ़ने के बाद उनके मन में एक ललक पैदा होती थी कि इसके आगे क्या, यानी ये जो प्रश्न पैदा होता है कि इसके आगे क्या, ये व्यक्ति की उस सोच को बात याद करता है। मैं इन बातों को इसलिए दोहराना चाहता हूँ, इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हम एकेडमिशियन के रूप में काम करते हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम शोधार्थी हैं, हम शिक्षक हैं, और जब इतने महान व्यक्तित्व पर बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें उनके उन पहलुओं पर भी देखने की आवश्यकता है जहां पर वह प्रारंभ करते हुए इस विराट व्यक्तित्व के रूप में पूरी दुनिया में छा जाते हैं। हम उनकी पुस्तकों की बात करते हैं, द कमार से यदि हम चालू करते हैं और समाज संस्कृति तक आ जाते हैं, जितने उनके लेख हैं उन सब की बात करते हैं, तो ये श्रृंखला तो इतनी लंबी चौड़ी है जिसको हर लाइब्रेरी में हम लोग देख सकते हैं, इंटरनेट पर हम लोग पा सकते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हम उनको देख सकते हैं, शिक्षकों के जहन में हम उनको पा सकते हैं, उनके शोध ग्रंथालयों में हम उन चीज़ों को देख सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इन सबको बनाने की जो आधारशिला थी वो क्या है, वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? यदि हम अपने विद्यार्थियों को मोटिवेशनल सिस्टम के अंतर उन चीज़ों को देने की कोशिश करते हैं तो संभवतः यही वो रूप होते हैं जिनमें प्रतीक के आधार पर कहा जा सकता है कि जन्म शताब्दी समारोह, जन्म दिवस या अन्य कोई त्यौहार हैं, उनको सेलिब्रेट करने का जो मुख्य आधार होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या है? प्रतीकों की शैली से प्रेरणा प्राप्त करना है इसका मुख्य आधार उद्देश्य होता है। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को आगे तक ले जाना हमारा कर्तव्य होता है, जिन पैराडाइम्स को उन्होंने तैयार किया था। आज के यदि हम वर्तमान समय की 21st सेंचुरी की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकारों में, प्रशासनिक कर्तव्यों में जिस तरह की शुचिता की बात करते हैं, ये प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे के शुरुआती दौर में देखने को मिलती है। और बहुत प्रसिद्ध लेखक, प्रख्यात समीक्षक राजकिशोर जी तो यहां तक कहते हैं कि प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे में विचारों का एक द्वंद्व देखने को मिलता है। और विचारों को जो द्वंद्व हुआ करता था वो किस लिए? वो नवीन विचारों को गढ़ने के लिए। पिछले वक्तव्य में मैंने एक बात कही हुई थी, इसके द्वारा यहाँ दोहराना मैं बहुत आवश्यक महसूस करता हूँ। ये प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा है मेरी, कि जैसे प्रोफेसर योगेंद्र सिंह साहब के बारे में मैंने कहा था कि उन्होंने व्यक्तित्व को बढ़ा, बिल्कुल यही बात मैं मानता हूँ कि प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने व्यक्तित्वों को गढ़ने वालों को गढ़ा है, उन शिक्षकों को तैयार किया। चाहे हम प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की बात करें, प्रोफेसर आई एस चौहान साहब की बात करें, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी की बात करें, टाटकर जी की बात करें, या अन्य जो लोग हैं, इन्होंने अपने आप को आदर्श के रूप में स्थापित किया है। ऐसे व्यक्तित्व पर बोलने के लिए जब हम उनके विचारों के द्वंद की बात करते हैं तो वहां पर राजकिशोर जी का वो वक्तव्य बिल्कुल सटीक बैठता है कि वह ऐसे विचारों को खोजने की कोशिश किया करते थे जो विचार एक रास्ता दे जाए, जो विचार एक ज्योति दे जाए, जो विचार एक ऊर्जा दे जाए। और ये जो ऊर्जा और विचार की बात आती थी उनके उस सेवक नाम के पत्र से प्रारंभ होती है, और उसके आगे जब वह मंच पर आते हैं और हिंदी और अंग्रेजी की भाषाओं को पूरी तरह से कमांड लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब साहित्य में इनका स्थान होता है। राजनीति शास्त्र से भले ही उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की हो, नागपुर में जब वह अध्ययन प्राप्त करने के बाद, उच्च शिक्षा के बाद आते हैं, मानव शास्त्र पर PhD करने की कोशिश करते हैं और उसमें वह महारत हासिल करते हैं, तब एक बहुत बड़ा ड्रास्टिंग चेंज वहां पर आ रहा होता था। क्योंकि अभी इंटरडिसिप्लिनरी की बात तो हम आज के डेट में करते हैं, उस समय में बहुविषय बहुआयामी बिंदुओं पर शोध करना क्रांतिकारी कदम होता था। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे इस तरह के क्रांतिकारी कदम उठाने वाले जीवट लोगों में से माने जाते हैं। और इसीलिए जब प्रोफेसर प्रेम शंकर जी की मैं बात करता हूँ, घंटों हमने प्रोफेसर शंकर जी के साथ में प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जी के ऊपर से कई बार बातें की है, और वो उनके साहित्यिक पक्ष को दिखाने की कोशिश करते थे, उनके समाजशास्त्रीय पक्ष को दिखाने की कोशिश करते थे। और जब मैं सागर की बात कर रहा हूँ तो पिछली बार मैंने कहा था प्रोफेसर गैर और बाकी लोगों की बात की जाती है, जब हम यहाँ पर एंथ्रोपोजोग्राफी से एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट होता है, उसके बाद मानव विज्ञान विभाग तैयार होता है, फिर मानव विज्ञान में समाजशास्त्र, विकास का समाजशास्त्र पैदा होता है,
और उसमें मानवशास्त्र समाजशास्त्र के समस्त आयामों को छूते हुए प्रोफेसर श्यामचरण दुबे सागर के इस पटल से लेकर के विश्व पटल पर समाजशास्त्र का नाम ले जाते हैं, चाहे उनकी पुस्तक द कमार की हम बात करते हैं या ग्रामीण अध्ययन पर जब वो बात करते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर कोशिश की जाती है। तो आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम 21st सेंचुरी में तीन बातों को विशेष रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। पहली बात भारतीयता, दूसरी बात संक्रमण की पीड़ा, जो संक्रमण की पीड़ा के बारे में प्रोफेसर श्यामचरण दुबे जी ने बहुत गहराई से लिखा हुआ है, इसकी बात आगे चल के मैं करूँगा। और तीसरी बात जब वह बात करते हैं इस बात की कि सशक्तिकरण के जो मुख्य आधार होने चाहिए उसको शिक्षा से लेकर के सोच से लेकर के व्यक्तित्व में कैसे लाया जाए, इन चीज़ों के लिए पैराडाइम तैयार करने की बात की जाती है, तब यह बात निश्चित रूप से निकल के आती है कि प्रोफेसर श्यामचरण दुबे जी की उन पुस्तकों पर एक बार हमें जरूर ध्यान देना चाहिए जिन पुस्तकों की शुरुआत उन्होंने की, जिन पर काम करने की कोशिश की। यदि हम द कमार की बात करते हैं, इंडियन विलेज की बात करते हैं, इंडिया चेंजिंग विलेज की बात करें, और यहाँ से लेकर के हम इंडियन सोसाइटी से लेकर के शिक्षा, समाज, संक्रमण की पीड़ा, भारतीय ग्राम, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, एक लंबी फहरिस्त है पुस्तकों की। और इन पर काम करने के लिए जब उन्होंने लोगों को तैयार किया, तब कहीं ना कहीं उन विचारों को मैं उद्धरण के रूप में जरूर देना चाहता हूँ, जहाँ पर यह बात आती है कि प्रोफेसर श्यामचरण दुबे जी एक बात जरूर विशेष रूप से कहा करते थे कि भारत के भविष्य के लिए भारतीयता की तलाश का अभियान होना चाहिए। अब ये जो भारत का भविष्य है, शोध के रूप में हम, क्योंकि वो प्रशासक भी बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे शिक्षक और शोधार्थी भी हुआ करते हैं, तो वो समाज के परिवर्तन प्रगति की प्रक्रिया में परंपराओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करते हैं। और इस बात को वो कहते हैं कि परंपरा के संबंध में सबसे बड़ी भ्रांति उसे जड़ और अपरिवर्तनशील मानना है, और इसीलिए वो बताते हैं कि जब परिवर्तन की बात आती है तो हमको कहीं ना कहीं दुराग्रह से मुक्त होकर के काम करना चाहिए। और जब इस तरह से हम परंपराओं के जीवन को समझने के लिए कुछ बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो सारी बातें निकल के आती हैं जो इस बात से कहती हैं कि यदि भारतीयता की तलाश में आगे बढ़ने की बात करनी है तो हमें भारतीयता की तलाश करने के लिए आगे बढ़ने के लिए पीछे जाने के लिए नहीं। बहुत गहरी, बहुत गहन बात है जो इस बात को तय करती है कि जितने भी शोध हैं, जितना भी साहित्य है, जितना भी समाजशास्त्र का विषय वस्तु है, आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी यह बात कहते हैं कि जब हम शोध के लिए कार्य करते हैं तो वह उसमें सामाजिक सरोकार क्या है, उसकी समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगिता क्या है, प्राणी मात्र के लिए उसको किस तरह से लाभ मिल सकता है, इन बातों पर हमको देखना है। ये श्यामचरण दुबे जी उस समय बहुत गहराई से कह रहे होते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उनके बारे में कही जा सकती है कि जब प्रोफेसर श्यामचरण दुबे में द्वंद्वात्मक की स्थिति देखने को मिलती है, वह कई स्तरों पर प्रकट होती है। परंपरा और आधुनिकता के लिए, परंपरा और आधुनिकता के बीच में, लोक और शास्त्र के बीच में, हिंदी और अंग्रेजी के बीच में, दुबे जी ने लोक का जितना अध्ययन किया था वह उनके शास्त्रीय अध्ययन में और ज्यादा प्रसिद्ध और आलोकित होता हुआ दिखाई देता है। ये एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरा का पूरा रास्ता है, जो रास्ता आज के शोधार्थियों को, हम जैसे विद्यार्थियों को वह बताने की कोशिश करता है कि हमको विकास की रचना के लिए कितने आगे बढ़ना है। और यहाँ पर जो मनीषी हैं वो तो इस तरह की बात करते हैं कि प्रोफेसर श्यामचरण दुबे तो एक ऐसी धातु के बने थे जिसमें धर्म, समाज, राष्ट्रीयता, प्राणी मात्र, प्राणी और पूरा विश्व, यानी वैश्वीकरण की जो हम बात करते हैं, वो हर जगह समाहित देखने को मिलती है। कुछ और चीजें जिनकी मैं बात करता हूँ, वो यहाँ पे इन बातों तक नहीं रुकते हैं, वरन वहां तक पहुंचते हैं जब विद्यार्थियों को मोटिवेट किया करते थे कि आपको आगे आना है, आगे आना है। और इसके लिए प्रोफेसर लीला दुबे और प्रोफेसर श्यामचरण दुबे दोनों ही ना केवल विद्यार्थियों तक, विद्यार्थियों के अभिभावक से ही मिलकर के उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उचित प्लेटफॉर्म हो सकता है उस प्लेटफॉर्म को देने की कोशिश किया करते थे। शुरुआती वक्तव्य में मैंने एक उदाहरण दिया हुआ था कि एक विद्यार्थी जिसको यूथ फेस्टिवल में जाना था, वह फीमेल स्टूडेंट थी। उस पीरियड में फीमेल स्टूडेंट का बहुत आसानी से गाँव से निकल करके दिल्ली जैसे महानगर में जाना बड़ा आसान नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी प्रोफेसर श्यामचरण दुबे और प्रोफेसर लीला दुबे दोनों उस विद्यार्थी के अभिभावकों से मिलते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं, उसको अपने साथ सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए उनसे जो वार्तालाप होती है। और वह विद्यार्थी, वह फीमेल स्टूडेंट सागर के मंच से लेकर के दिल्ली तक पहुंचती है और वहां से फर्स्ट प्राइज हासिल करके आती है। तो शिक्षक का एक दायित्व भी होता है, हम कैसे प्रेरणा देते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
इन सारी बातों में जब प्रकृति का प्रेम देखने को मिलता है तो प्रकृति के प्रेम के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन यदि किया जाता है तो बहुत बेहतर होता है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मामले में आज हम 21st सेंचुरी में बात करते हैं, लेकिन ये उस समय उनकी दृष्टि इस बात को देख रही थी और तभी उन्होंने इस बात को पूरी तरह से तैयार कर लिया था, सोच लिया था कि हमको समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के विकास की यदि बात करनी है तो केवल एक क्षेत्र में रह करके उसका अध्ययन करना आवश्यक नहीं होगा, केवल वहां तक अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों को सीमित करना आवश्यक नहीं होगा। हम अपने ज्ञान को चहुओर फैलाएं और चारों जगह से ज्ञान को एकत्रित करके अपने व्यक्तित्व को चहुमुखी बनाने की कोशिश करें, ये उनका उद्देश्य हुआ करता था और इसके लिए उनका सौम्य गंभीर स्वरूप होता था, इसीलिए बड़ी सहजता से विद्यार्थी उनके पास पहुंचते थे और हंस के वो विद्यार्थियों को वक्त दिया करते थे। 5 या 10 मिनट का समय लेते लेने के लिए व्यक्तियों का अनुरोध होता था, लेकिन 1-1 घंटे तक उनके साथ चर्चाएं हुआ करती थी। ऐसा व्यक्तित्व था प्रोफेसर सैमचंद दुबे जी का। उनके व्यक्तित्व की कुछ और चीजें मैं आपसे बताना चाहता हूं जिनको आज हम प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं। जब उन्होंने राजनीति शास्त्र से बी ए ऑनर्स और एम ए करने के बाद एंथ्रोपोलॉजी से PhD की, तो जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत उन्होंने क्रांतिकारी कदम के रूप में उस समय से कर रखी थी और आज पूरा विश्व इस बात को समझने की कोशिश करता है कि हमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। और संभवतः जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और विश्व गुरु भारत की बात करते हैं और ज्ञान से, आविष्कार से, सुरक्षा से, वृद्धि की बात करते हैं, तो ये ज्ञान, सुरक्षा और समृद्धि की बात सब सामने आती है। यह बात उन्होंने उस पीरियड में कह रखी थी। यानी आज के 100 वर्ष पहले जन्म लेने वाला व्यक्ति कितना दूर दृष्टा रहा होगा, यह बात उनके पहले दशक में ही पैदा हो जाती है। और इसीलिए आज विचार मंथन के लिए जब हम बोर्ड से भारतवर्ष के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से विद्वत जनों पर यहाँ पर एकत्रित करते हैं तो हमारे सामने एक और मैसेज आता है। वो मैसेज ये कि ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ने के साथ साथ इनके कृतित्व को देखने की आवश्यकता है। इसीलिए अभी कुलगुरु प्रोफेसर चेतन त्रिवेदी जी ने बड़ी अच्छी बात की हुई थी कि आप PhD के लिए भी विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व को तैयार करें, बहुत अच्छी बात है। दरअसल में यही आदरांजलि है, यही भावांजलि है और यही इस तरह के सेलिब्रेशन का तरीका होता है, ना केवल मानव शास्त्र में, ना केवल समाज शास्त्र में, वरन हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में भी प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे के व्यक्तित्व कृतित्व पर निरंतर शोध के कार्य संचालित हो रहे हैं। और जब इस तरह के शोध के कार्य संचालित होते हैं तब हमें उनको समझने के लिए विशेष किस्म के अलग अलग पहलुओं को सीखने का अवसर मिलता है। ये पहलू यहाँ तक सीमित नहीं हो जाते हैं कि हमने विषय के रूप में उनको देखा, ये पहलू यहाँ पर सीमित होते हैं कि उनका क्रियान्वयन करने वाला जो स्वरूप है, यानी अप्लाइड फॉर्म ऑफ द सोशल साइंसेज में, जो कि आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है और संभवतः यही हमारा कार्य भी होता है। इस सिद्धांतों के बाद छात्रों को आगे ले जाकर के हम कार्य रूप में परिणत करते हैं और उसको ऐसे पैराडाइम में और ऐसी योजनाओं में निर्माण करके राष्ट्र को विकास देने के लिए कार्य रूप में परिणत करते हुए साकार जमा बनाते हैं। यदि ये सब कर सकते हैं तब हमारा मानना होता है कि हाँ, हमने व्यक्तित्व के एक अंश को छुआ है, केवल एक अंश को। और इसीलिए प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे के उन पुस्तकों की गहराई से जो आपने 12 सीरीज के बीच में सारा काम किया है, वह प्रत्येक आपके श्रृंखला, प्रत्येक आपका कार्य एक एक महान ग्रंथ के बराबर होता है। अंतिम बात करते हुए विराम देना चाहूंगा, वो यहाँ पर आते हैं कि जब प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे एक शिक्षक, एक मनुष्य प्रशासक के रूप में काम करते हैं तो उनके जीवन के कुछ उदाहरण हमको जो प्रेरणा देते हैं उनमें एक बात आती है, सहज रूप से सब चीज को देखना, क्रोध को व्यक्त ना करते हुए उसको ऊर्जा रूप में परिणत करना और फिर से जुट जाना काम करने के लिए। पूरे व्यक्तित्व के अंदर में एक जो चीज उनके पूरे जीवन को पढ़ने के बाद देखने को मिलती है, बहुत कम लोगों ने उनको क्रोधित होते हुए देखा और यदि क्रोध आया है क्षणिक हुआ करता था। और ऐसा लोग कहते हैं कि यदि किसी को उन्होंने हल्का सा क्रोध दिखा दिया, इसका मतलब यह है कि उसको कोई ना कोई विशेष लाभ होने वाला है, यानी उससे शिक्षा की एक नई विचारधारा पैदा हो जाती थी। ये अपनापन केवल एक अभिभावक के रूप में ही पैदा हो सकता है। मैं ये मानता हूँ आज के समाज शास्त्रियों के लिए आदर्श अभिभावक के रूप में
प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे हमें एक प्रेरणा भी देते हैं और केवल उनके एक एक वाक्य को यदि हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज मैंने बहुत ज्यादा गहराई से और सारे विषयों पर बहुत लंबी बात ना करते हुए उनके एक एक दो दो वाक्यों को लेकर के चर्चा करने की कोशिश की है, उनके जीवन को उन संस्मरणों की कोशिश की है, जिससे आज का विद्यार्थी और हमारे जैसे समाजशास्त्र के विद्यार्थी इस बात को सोच के समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी दुबे से श्यामाचरण दुबे तक की यात्रा कैसे होती है। ये भी अपने आप में बहुत चिंतन का विषय है और इस बात पर काफी कुछ लिखा गया है जिसमें एक लेख का तो केवल शीर्षक ये कि एससी दुबे से श्यामाचरण दुबे तक जो हुआ है मानव शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं, जिस समय सागर विश्वविद्यालय के अंदर में विदेश से आने वाले बहुत से मूर्धन्य प्रोफेसर का डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के द्वारा यहाँ पर उनको लाया गया, तब आने वाला व्यक्ति प्रोफेसर एससी दुबे के बारे में यही सोचता था कि शायद ये भी उसी तरह के एक व्यक्ति हैं जो विदेश से कहीं आए हुए, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली थी पाइप को पीना, बहुत सौम्य रूप से चलना, सही तरीके से बात करना और स्पेलिंग में भी कभी कभी लोग उनको एससी ड्यूब के नाम से भी जानते थे, तो एकदम से ताज्जुब होता था। लोग उनको देखने के लिए जाया करते थे, उसको केवल मिलने के लिए सुनने के लिए जाया करते थे और जब मिलते थे तब उनको समझ में आता था कि एससी ड्यूब नहीं है, एससी दुबे है। तब उनको मालूम होता था कि भारतवर्ष के ही प्रोफेसर है, मध्य प्रदेश के ही प्रोफेसर है, ये सागर के आसपास बुंदेलखंड की जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वहां से जब वह बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इसी पूरी अनंत यात्रा के बाद में फिर वह प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे बनते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरह से उन्होंने विश्व में अंग्रेजी के मार्फत से अध्ययन अध्यापन को फैलाया, उसी तरह से हिंदी के माध्यम से या स्थानीय भाषा और स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि हमको जो छोटी छोटी अध्ययन करना है उन अध्ययन में हमको उन व्यक्तियों के जीवन को अंदर तक महसूस करने की कोशिश करनी, उनका शोध महसूस करने के लिए हुआ करता था, उनका शोध कल्याण करने के लिए हुआ करता था, उनका शोध भविष्य की योजना निर्माण करने के लिए हुआ करता था। और आज यदि हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो प्रत्येक राष्ट्र निर्माण की बात कोशिश की जाए तो हमको जो योजना निर्माण उसके बाद जो उत्तरावर्ती यानी फॉलोअप प्रोग्राम्स होते हैं उन फॉलोअप प्रोग्राम्स में एकेडमिक पैराडाइम की आवश्यकता महसूस होती है, जिसको उन्होंने उस समय पहचाना हुआ। और इसीलिए मैं एक बार पुनः उनको अपनी अंतरात्मा से भावांजलि समर्पित करते हुए आह्वान करता हूँ आज के सभी युवा पीढ़ी के साथ में कि हम समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, साहित्य और प्राणी शास्त्र को समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रकृति में जब गुलाब का आकर्षण उनके साथ हुआ करता था, उनके घर में परिवार में इस तरह के गुलाब हुआ करते थे जो पूरे सागर में कहीं नहीं होते थे, कहां से छांट के बुलाया करते थे। ये केवल गुलाब के प्रति प्रेम नहीं था, ये प्रकृति के प्रेम के प्रति केवल प्रेम नहीं था, वह प्राणी मात्र और संपूर्ण विश्व के लिए उनका प्रेम था। वो तारों को गिनते थे शाम के शाम को, और जब उन तारों को गिनते थे तो केवल तारों नहीं व्यक्तित्व को गिनने की कोशिश किया करते थे, और ये सारी बातें जो हुआ करती थी ये आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं एक बार पुनः उनके नमन करता हूँ, आपसे आदर व्यक्त करता हूँ। मुझे भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ ने एक अवसर दिया कि प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जी के ऊपर से कुछ बोल सकूँ। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ज्यादा बोलना उनके बारे में मेरे जैसे व्यक्ति के लिए का कारण बनता है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, और इसलिए उनके सारे व्यक्तित्व की बात नहीं की। मैंने सेवक के उस अंक से बात की जिसको कागज पर वह स्वयं लिखते थे अपने हस्तलिपि से, और वो एक पत्रिका बनकर के पूरे परिवार के लोगों के लिए विचार विमर्श का आधार बनती थी, और उसके बाद वहां तक पहुंचा हूं जब ऐसी दुबे श्यामाचरण दुबे हुए, और उस समय तक पहुंचा हूं जहां पर व्यक्तित्व को गढ़ने वाले लोगों को उन्होंने व्यक्तित्व को बढ़ा हुआ है, उन सबकी बात करने का अवसर दिया प्रोफेसर चेतन त्रिवेदी जी, माननीय कुलगुरु, माननीय विभागाध्यक्ष जयसिंह झाला जी, मेरे गुरु प्रोफेसर आई एस चौहान साहब जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, के परिवार से सुप्रीता जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं पराग तिवारी जी, इस कार्यक्रम के आधार में जुड़े हुए ऋषि जी, और विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य जो निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं, उन सभी आलेख तैयार करने वाले, वक्तव्यों को देने वाले, और जिन जिन से मैंने टेलीफोन के द्वारा जानकारी हासिल की, जिनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से चर्चा की, जिन पुस्तकों को मैंने पढ़ा हुआ है, उन सभी को मैं नैतिक दायित्व मानता हूं कि मैं उन सभी सहयोगियों को बहुत बधाइयां और आभार देना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि 100वां जन्मदिवस आज जहां पर प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे के प्रति इस तरह की श्रृंखला का एक आगाज लेके आया हुआ है, कि निरंतर
चलने वाली प्रक्रिया है, और जब पुस्तक के आकार में ये चीजें आएंगी तो कुछ और अनछुए पहलू हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और जब के विद्यार्थी प्रोफेसर एस सी दुबे साहब के व्यक्तित्व पर पीएचडी करने के जा रहे होंगे, वो पीएचडी होगी, तब उससे भी लोगों को बहुत कुछ देखने को, नया कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि हर सदी में एक एस सी दुबे साहब पैदा होते हैं, लेकिन आप हर श्रृंखला में एक एस सी दुबे साहब का जो ज्योतिर्पुंज है उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक आपका जो एकेडमिक सेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल के आएंगी। हमारे आपके सबके अंदर में प्रोफेसर एस सी दुबे साहब जीवित हैं, हमारे सबके विचारों में हैं, हमारे सबके शोध कार्य में हैं, और इस दिव्य ज्योति को आपने जो आलोकित किया हुआ है डॉक्टर जयसिंह झाला साहब, निश्चित रूप से आप बहुत बधाई के पात्र हैं। कुलगुरु प्रोफेसर चेतन त्रिवेदी जी जिन्होंने चैतन्य किया है इस श्रृंखला को, वो बहुत आभार और अभिनंदन के पात्र हैं। और प्रोफेसर आईएएस चौहान साहब जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं इस तरह के व्यक्ति को कुछ पढ़ सकूँ, कुछ सुन सकूँ, कुछ समझ सकूँ और आपके सामने बोल सकूँ। मैं जब जब कभी भी बोलने की कोशिश करता हूँ तो मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है जब मैं प्रोफेसर आईएएस चौहान साहब को अपने सामने देखता हूँ, और आज मुझे लग नहीं पा रहा कि मैं ठीक से बोल पाया। उसके पीछे कारण यह है कि व्यक्तित्व पूरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोले आप सर। थैंक यू सर, आपसे प्रेरणा लेता हूँ, लेकिन प्रेरणा लेने के बाद निश्चित रूप से कभी ये लगता है कि मैं न्याय कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद है और सभी की शुभकामनाएं हैं। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, जय सोमनाथ और जय एससी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड ट्रेमेंडस स्पीच। हर बार आपकी स्पीच में से हम लोगों को कुछ नया जानने को मिलता है और इंस्पिरेशन भी मिलता है, और युवा सोशियोलॉजिस्ट के लिए भी ऐसा एक प्रेरणा स्रोत है जो आपका जो लेक्चर होता है। हम लोगों ने तो ऑफलाइन भी सुना है आपको, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं और सुन पाएंगे और ऑफलाइन भी सुनेंगे, तो थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारे आज के चेयरपर्सन और पूरे इंडिया में जो एक रिस्पेक्टेड नेम है ऐसे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर आईएएस चौहान सर, फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया सूबा फिजी, उसको मैं आज के चेयरपर्सन के रूप में अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर चौहान सर, प्लीज सर। धन्यवाद दीवानी जी, आदरणीय कुलपति त्रिवेदी जी, मेरे आदरणीय साथी प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी, आदरणीय झाला जी, आदरणीय डॉक्टर मिश्रा जी, दीवानी जी, आपके विभाग के सभी सदस्यगण, और इस वेबिनार में जो भी सम्मिलित हो रहे हैं देश विदेश के सभी सम्मानित विद्वज्जन, प्रोफेसर दुबे के बारे में मैं क्या बोलूं ये समझ में नहीं आ रहा। आज कहां से शुरू करूं ये भी नहीं समझ में आ रहा। प्रोफेसर दुबे, दिवाकर सिंह जी राजपूत और मैं, हम तीनों नरसिंहपुर की पैदाइश है। नरसिंहपुर एक छोटा सा जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से हम लोग आते हैं। और प्रोफेसर दुबे जी को मैंने सन 58 से, जब उनकी उम्र 36 वर्ष थी, तब से जाना। और मैं अपने कैरियर में जहां जहां भी पहुंच पाया, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसमें प्रोफेसर दुबे जी का योगदान अवश्य रहा है, या जब प्रोफेसर दुबे जी नहीं थे तो श्रीमती लीला दुबे जी का योगदान रहा है। प्रोफेसर दुबे एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व थे, उन्हें देखकर और विशेषकर उस उम्र में 36 की उम्र में जब वो बिल्कुल यंग थे, देखकर ऐसा शायद ही कोई रहा हो जो उनसे प्रभावित ना हुआ हो। मैंने भी उनसे प्रभावित होकर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना अपना लक्ष्य बनाया, और उस समय 58 में मैंने सागर विश्वविद्यालय पहुंचकर बीए पढ़ना प्रारंभ किया था। और बीए में उस समय पहली बार मानव शास्त्र पढ़ाया जाता था, जो मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रोफेसर दुबे जी के ही विद्यार्थी योगेश अटल जी, मुटेटकर जी, सराफ जी, ये सब मुझे पढ़ाया करते थे। और साथ ही एक बहुत अच्छे गुरु थे प्रोफेसर बी आर चौहान, जो इस समय नहीं है, वो भी, उनको भी, वो ऐसे रत्न थे जिन्हें प्रोफेसर दुबे
सागर लेके आए थे। प्रोफेसर दुबे जी का कार्यकाल उस समय था जब देश विदेश में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, समाप्त हो चुका था। उसके बाद बहुत बहुत सारा धन शिक्षा और शोध के लिए उपलब्ध था। उस समय भारतवर्ष में विदेशियों ने और भारतवर्ष के समाजशास्त्र मानवशास्त्रियों ने भारतीय ग्रामों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। विदेशी तो बहुत सारे थे, भारतवर्ष के केवल दो लोग थे, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे और प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने हैदराबाद में शामीरपेट नाम के एक गांव में जाकर अध्ययन किया और शामीरपेट की जीवन प्रणाली को चित्रित करने का प्रयास किया। प्रोफेसर दुबे जी ने इसके बाद एक और ग्रंथ लिखा, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। ये ग्रंथ जो था ये सामुदायिक विकास योजनाओं के कारण जो परिवर्तन भारतीय गांव में आ रहे थे वो उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया था। प्रोफेसर श्यामाचरण जी दुबे, जैसा कि दिवाकर जी ने बताया, उनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बड़ी अच्छी पकड़ थी। एक तो बहुत ही विलक्षण और तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे और दोनों भाषाओं में इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो एक बात मुझे याद आया कि बड़ी हम लोगों का आग्रह हुआ करता था कि सर हिंदी में कोई किताब चाहिए, हिंदी में कोई किताब चाहिए। तो मानव और संस्कृति नाम की एक पुस्तक उन्होंने एक हफ्ते में लिख डाली थी और वो इतनी इतनी सारगर्भित पुस्तक थी कि मेरी सारी बीए की पढ़ाई में उसका उस पुस्तक का बहुत उपयोग मैंने किया। और मानव शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं था जो हम लोग संक्षिप्त रूप से और सरल रूप से उस पुस्तक में न देख पाए। प्रोफेसर श्यामाचरण जी दुबे ने अनेकों विद्यार्थियों को उत्साहित किया, प्रेरित किया और आगे बढ़ाया। उनके बहुत ही अधिक विलक्षण प्रतिभाओं वाले विद्यार्थी जो थे, एक थे प्रोफेसर योगेश अटल। जब मैंने ये तय किया कि मैं समाजशास्त्र मानव शास्त्र में एमए करूंगा और एमए में फील्ड वर्क आवश्यक होगा, तो जब मैं बीए पास कर ही रहा था तो प्रोफेसर अटल जी के साथ उन्होंने मुझे बीए पास की जो गर्मी थी, जुलाई के पहले मई जून की जो गर्मी थी जिस वर्ष मैंने बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा दी थी, उस समय उन्होंने मुझे प्रोफेसर अटल जी के साथ सागर के पास के एक रैली गांव में फील्ड वर्क करने भेज दिया था। उनका ये ख्याल था कि अगर एंथ्रोपोलॉजी में एमए करना है तो फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से उसका अभ्यास किया जाए। तो मैंने प्रोफेसर अटल जी से एक महीने में रैली, बहुत गर्म था उस गर्मी के समय में, एक महीने में रैली गांव में जाकर जो क्षेत्रकारी होता है उसकी सूक्ष्मताओं को पहचाना और समझा। प्रोफेसर दुबे जी के साथ एमए करने के बाद जब मैंने अपने विभाग में एमए में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाया तो उन्होंने तुरंत मुझे परीक्षा रिजल्ट आने के तुरंत बाद 1 जुलाई से लेक्चरर नियुक्त कर दिया और मैं टेम्पररी पढ़ाने लगा। मैंने उस समय इतने जल्दी मुझे अपना करियर शुरू करने की जल्दी नहीं थी, मैंने उनसे कहा मैं तो रिसर्च करना चाहता हूँ। उस समय उन्होंने कहा ठीक है रिसर्च करो, यूजीसी फेलोशिप को अप्लाई करो, और यूजीसी फेलोशिप उन दिनों एमए के मार्क्स पर मिलती थी, तो मुझे यूजीसी फेलोशिप मिल गई। 6 महीने मैंने यूजीसी फेलोशिप पे काम किया, शोध किया। उसके बाद जब मैंने
उनसे कहा कि मुझे तो इंडिया नहीं विदेश जाना है, तो उन्होंने मुझे 3 जगहों पे अप्लाई करवाया, एक तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा और नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी यूएसए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए, जहां उनके परिचित प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे रेफरेंस लेटर लिखे और अमेरिका की दोनों विश्वविद्यालयों से मुझे ऑफर आया। उस समय फाइनेंशियल असिस्टेंस अमेरिका में असिस्टेंटशिप के रूप में दी जाती थी। जब वो ऑफर मिले तो पूरी असिस्टेंटशिप नहीं मिल रही थी, आधी मिल रही थी, तो मैंने उसी के आधार पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। अब उस समय ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप बहुत अच्छी हुआ करती थी और प्रोफेसर टी एन मदन, प्रोफेसर लखनऊ के प्रोफेसर माथुर, ऐसे कुछ लोग ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके थे और भारतवर्ष लौटे थे और उन्होंने उस विभाग की बड़ी प्रशंसा की थी। तो प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे ने प्रोफेसर टी एन मदन को मेरा रेफरी बनवाया और मुझे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाया। ये बात सर सन 1963-64 की है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो प्रोफेसर दुबे की सलाह पर मैंने एक टेलीग्राम भेजा कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी को कि मुझे अमेरिका में असिस्टेंटशिप मिल रही है और अगर आप जल्दी अपना निर्णय नहीं लेंगे तो अमेरिका में सत्र प्रारंभ होने वाला है, मैं वहां चला जाऊंगा। तो एक हफ्ते में मुझे कॉन्ग्रेचुलेटरी टेलीग्राम आया। उस समय मैं प्रोफेसर दुबे जी के घर पे था। ऐसा था जब मैं विद्यार्थी था तो हर शाम उनके घर पे रहता था और जब उस शाम मुझे टेलीग्राम आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन अवार्डेड स्कॉलरशिप ऑफ द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, तो मैं दुबे जी के घर पे था और बड़ी खुशियां मनाई गई और मुझे मिठाई खिलाई गई और खुद खाई गई। श्रीमती दुबे ने ये सब व्यवस्था की। प्रोफेसर दुबे से एकेडमिकली तो मैंने बहुत सीखा ही सीखा है। मैं एक पारिवारिक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने श्रीमती लीला दुबे जी को अपनी माता स्वरूप माना था और उन्हें उनसे आग्रह किया था कि मेरी शादी के लिए दुल्हन आप ही चुनेंगे। तो मैं बड़े गर्व के साथ आज ये बताना चाहता हूं कि मेरा विवाह प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे और प्रोफेसर लीला दुबे जी के कॉर्नेल में साथ रहे उनके एक मित्र प्रोफेसर के सिंह की बहन इंदिरा जी के साथ हुआ और ये भी श्रीमती दुबे की सहयोग और प्रेरणा से हुआ। और तो मेरे जीवन में दुबे जी और उनके परिवार का क्या योगदान है ये आप समझ सकते हैं। प्रोफेसर दुबे के 2 बेटे थे, मुकुल और सौरभ। मुकुल तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, सौरभ मेक्सिको में हिस्ट्री के प्रोफेसर है। मुकुल ने जिंदगी अपनी शर्तों पे जी। ससेक्स गए थे वो पीएचडी करने, उन्हें अच्छा नहीं लगा, लौट आए। और जैसा मैंने कहा संक्षेप में ये कहूंगा कि मुकुल ने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी। वो दुबे जी जैसे लब्ध प्रतिष्ठ एकेडमिशियन नहीं बनना चाहते थे मगर विद्वान उतने ही थे। वो डॉक्टर लीला दुबे जैसे बहुत एकेडमिशियन नहीं बनना चाहते थे मगर विद्वत्ता माता पिता दोनों से उन्हें मिली थी और बहुत ही ब्रिलियंट वो थे। वो मुझे अपना भाई मानते थे। इंदिरा जी से मेरी शादी हुई तो हम लोग नरसिंहपुर से बारात लेके निकले तो पहला पड़ाव सागर में था। उसमें दुबे जी के परिवार का और सागर में रह रहे मेरे एक चाचा प्रोफेसर सी एस चौहान के परिवार
दोनों ने व्यवस्था की थी और स्वागत किया था। उसके बाद मुकुल मेरे साथ मेरी बारात में मेरठ गए थे जब इंदिरा जी से मेरा विवाह हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि काफी लंबे समय तक मैं उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में रहा। दुबे जी के कृतित्व के बारे में जहाँ कहने की बात है, ये तो दिवाकर जी ने और एक वर्ष में जो 12 लेक्चर हुए उसमें बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी बातें बताई। दुबे जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनकी एब्स्ट्रैक्शन की क्षमता भी बहुत अधिक थी। तो आज इस उम्र में भी, जिंदगी के इस पड़ाव में भी, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब उस लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति के जब मैं भाषण सुनता था तो कई बार तो वो बातें मैं समझ भी नहीं पाता था, ऐसे उनके सार गर्भित और एब्स्ट्रैक्ट से परिपूर्ण भाषण हुआ करते थे। तो प्रोफेसर दुबे जी ने जो मेरे जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों में क्षमता के बीज बोए हैं, वो आज पुष्पित तो पल्वित हो रहे हैं। कुछ लोग तो दुबे जी की तरह आज इस दुनिया में हैं भी नहीं। प्रोफेसर एन के गौरा, वो भी उनके विद्यार्थी थे जो आज गए हैं। मैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करूं। मैं बहुत सारी चीजें दुबे जी से सीखा, सोचने का तरीका, रहने का तरीका, भारतीय सभ्यता के बहुत सारे सार गर्भित तौर तरीके, विदेशी सभ्यता के बहुत सारे सार गर्भित तौर तरीके, और जाने क्या क्या। एक बच्चे की तरह प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे और श्रीमती श्यामाचरण दुबे ने मुझे पाला, पोसा और बड़ा किया और मुझे एक सक्षम और कर्मठ व्यक्ति बनाया। आज मैं जिस जगह पे हूँ या जिंदगी में मैंने जो भी मुकाम हासिल किए हैं उसमें प्रोफेसर दुबे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से जब मैं पीएचडी करके लौटा तो मैं दुबे जी का स्टूडेंट था, इसलिए बिना इंटरव्यू के मैंने जो बायोडेटा अपना ऑस्ट्रेलिया से भेजा था उसके आधार पे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में मुझे लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया और इकट्ठे 7 इंक्रीमेंट दिए गए सिर्फ दुबे जी के कारण, क्योंकि मैं दुबे जी का विद्यार्थी था। और प्रोफेसर चोपड़ा जो उस समय चंडीगढ़ में एंथ्रोपोलॉजी के हेड थे, वो दुबे जी के अच्छे मित्र थे। इसके बाद पटियाला में कुछ मन नहीं लग रहा था तो अचानक मुझे एक ऑफर मिला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में विजिटिंग फेलोशिप का, और ये विजिटिंग फेलोशिप उस समय प्रोफेसर निहार रंजन रे ने मुझे दी थी। दुबे जी उनसे बहुत परिचित थे। प्रोफेसर निहार रंजन रे ने जो फेलोशिप दी थी उसमें मुझे लगा कि मुझे पैसे कुछ कम मिल रहे। मैंने दुबे जी से दबे जमान में कहा कि ये मुझे फेलोशिप तो मिल गई है, पैसे कुछ कम मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ज्वाइन करो, पैसे भी बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, उन्होंने हर बहुत से बातचीत की, पैसे भी बढ़ गए और फेलोशिप मुझे मिल गई। मैंने 2 साल वहां फेलोशिप के रूप में काम किया और महाकौशल के राजनीतिक इतिहास पे एक शोध प्रारंभ किया, जो कि 2 साल में तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि उन 2 सालों के बाद मुझे एक बार पुनः फिजी जाने का मौका मिला। मैंने अपना शोध कार्य जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से किया था वो फिजी के भारत वंशियों के ऊपर किया था। तो
मुझे 2 साल विजिटिंग फेलो रहने के बाद फिजी में देश का पहला इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने का मौका मिला और 72 में मैं वहां चला गया। 72 से करीब 5 साल में वहां रहा और फिर लौट के आया। जब लौट के आया तो इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च की सीनियर फेलोशिप मुझे दुबे परिवार ने ही दिलवाई और महाकौशल वाला मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सका। जब ये महाकौशल वाला प्रोजेक्ट पूरा हुआ फिर मुझे एक पक्की नौकरी की तलाश थी, तो यूपीएससी के माध्यम से मैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डिप्टी डायरेक्टर चुना गया। उस समय प्रोफेसर एससी दुबे ही एक्सपर्ट थे जिन्होंने मेरा चयन किया था। तो बड़ी लंबी गाथा है, मैं तो पता नहीं कितना बोल सकता हूँ, कब तक बोल सकता हूँ, बहुत सारे संस्मरण है। आज मैं बहुत भाव विभोर होकर उनको याद कर रहा हूँ। प्रोफेसर दुबे जी सिगार पीते थे, उनको देखकर मुझे भी सिगार पीने का शौक उठा, तो मैंने भी सिगार पीना शुरू किया, पाइप पीना शुरू किया। दुबे जी के सामने नहीं करता था, उनकी पीठ पीछे। खैर अब ये बहुत पुरानी बात हो गई है, अब पिछले करीब 30 सालों से ये सिगरेट और सिगार मैंने सब छोड़ दिया है। मैं बहुत तो अधिक आज बोलना नहीं चाहूंगा, जो बोला बहुत है। प्रोफेसर दुबे को, प्रोफेसर लीला दुबे को, सौरभ दुबे को जो आज इस दुनिया में नहीं है और जो मेरे परिवार के, मेरे जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं, उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और याद करता हूँ उन क्षणों को, उन सुखद क्षणों को जो मैंने इन सब के साथ बिताए, और याद करता हूँ उस महान कॉन्ट्रीब्यूशन को जिसने मेरे जीवन को वो शेप दिया जिसमें आज मैं पहुंच पाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, कुलपति त्रिवेदी जी को, झाला जी को, दीवानी जी को, डॉक्टर मिश्रा जी को और दिवाकर सिंह जी को, कि इन्होंने इनके प्रयासों से मुझे आज इस वेबिनार में सम्मिलित होने का मौका मिला और अपने कुछ उद्गार आप तक पहुंचाने का मौका मिला। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद देते हैं, मैं अब यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। आपने जो दुबे जी के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम याद करके हम लोगों को भी, सभी को भाव विभोर बना दिया, और दुबे जी के माध्यम से आपने जो प्रोग्रेस किया है उस सभी प्रोग्रेस में हम लोगों को और पूरे हजारों की संख्या में जुड़े हुए सभी को इसमें से इंस्पिरेशन मिलता है, मिलता रहेगा। और ये भी जो लेक्चर्स है वो यूट्यूब में भी परमानेंट रहेगा, तो सब ये लोग सब जब सुनेंगे तो उसको दुबे जी के बारे में अनजानी बात भी पता चलेगी और अच्छी तरह से पॉजिटिवली वो बात पता चलेगी कि जो युवा सोशियोलॉजिस्ट को फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी। थैंक यू वेरी मच द बॉटम ऑफ अवर हार्ट। और आपने बहुत अच्छी तरह से चेयरपर्सन के रूप में जो एनालिसिस किया है, आज के बहुत स्पीकर्स के लेक्चर्स थे दुबे जी के जीवन के बारे में, वो हमारे लिए अनफॉरगेटेबल होगा। इट्स अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। अब मैं कार्यक्रम के अंत के तरफ आगे बढ़ते हुए मेरे कलीग, मेरे छोटे भाई जैसे और हमारे साथ ही इन प्रोग्राम में जुड़े हुए जो टेक्निकल सपोर्ट भी पूरा अभी हमको दे रहे हैं, ऐसे हमारे मेरे छोटे भाई, हमारे कलीग और फैकल्टी डॉक्टर ऋषिराज उपाध्याय को आमंत्रित करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स करे। ऋषिराज उपाध्याय धन्यवाद। पराग सर, समाजशास्त्र विभाग,
भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर एस सी दुबे जी के राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को याद करते हुए, उनके प्रदान की सराहना और उसका गर्व करते हुए, समग्र साल के दौरान हमारे समाजशास्त्र विभाग भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल दरमियान कार्यक्रम किया, उसमें समग्र देश के विभिन्न प्रोफेसर्स और संशोधकों ने प्रोफेसर दुबे जी के प्रदान के ऊपर व्याख्यान दिया, उन सबका आज सर्वप्रथम तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि यह सभी अध्यापक गण जो ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे और जो पहले उपस्थित रहे, उन सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारी मर्यादा के कारण हम सभी को इस स्ट्रीम रूम में हम उन्हें अलाउ नहीं कर सकते, पर उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सही मायने में सराहनीय है। आज के इस वैलिडिक्टरी सेशन में उपस्थित रहे और भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के कुलगुरु श्री प्रोफेसर डॉक्टर चेतन त्रिवेदी सर का भी मैं सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और पूरे साल यह कार्यक्रम का आयोजन किया। और इसी के साथ यह कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बड़े ही उत्साह से हमें मंजूरी दी और लगभग समग्र कार्यक्रम के दौरान जितने भी व्याख्यान हमने आयोजित किए उन सभी में लगभग लगभग वे हाजिर रहे हैं, उनके लिए मैं उनका हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज के इस अंतिम चरण के कार्यक्रम में चेयरपर्सन के रूप में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर आईएस चौहान सर की, जो फिजी के भारत के हाई कमिश्नर रह चुके हैं, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज के इस बीज रूप वक्तव्य के ऊपर अपने विचार रखे। साथ ही में प्रोफेसर डॉक्टर दुबे सर के साथ के अपने जो अनुभव है वो साझा किए, इस मौके पर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। चौहान सर के साथ साथ हमारे बीच प्रोफेसर दुबे जी के कई विद्यार्थी उन्होंने भी इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत समाजशास्त्र विभाग को शुभकामनाएं दी हैं। इनमें प्रोफेसर पीसी जोशी सर और प्रोफेसर डॉक्टर आर के मुतादकर जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वैयक्तिक तौर पर हमें टेलीफोनिक शुभकामनाएं दी हैं, उनका सहृदय धन्यवाद। आज के दोनों वक्ता समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष एवं प्रादेशिक निर्देशक हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकर सिंह जी राजपूत एवं वैज्ञानिक लेखक और दुबे जी के पारिवारिक सदस्य ऐसे डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वह शुरू से ही अपने बीच में जुड़े रहे और इस कार्यक्रम को मार्गदर्शित करते रहे। साथ ही आज के इस अंतिम चरण में भी वह अपना कीमती समय देकर हमारे बीच उपस्थित रहने वाले दोनों बीज रूप वक्ताओं का भी मैं सहृदय धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। समग्र कार्यक्रम पूरे साल उत्साह से आयोजित कर रहे इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर जयसी झाला सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके कॉन्स्टेंट एफर्ट से यह कार्यक्रम शुरू रह सका है। इस अवसर पर मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अंत में सदैव हमारे साथ रहने वाले और कार्यक्रम का सुनियोजित संचालन कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर पराग देवानी सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम को जीवंत प्रसारित कर रही पूरी टेक्निकल टीम का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समग्र साल के दौरान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका भी सहयोग रहा है, उन सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को मैं पूर्ण घोषित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी।